दोस्तों उम्मीद है डायमंड डेयरी फार्म का पहला वीडियो देखे होंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है, दूसरा वीडियो है। फार्म की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस तरफ बछड़ियाँ रहती हैं, जो काफ होते हैं उनके पड़िया, बछड़िया भैंस के बच्चे को पड़िया और बाकी गाय के बच्चे को बछिया, तो ये सारे इधर रहते हैं। और जो वीडियो में दूसरे साइड दिख रहा है वो बड़े पशु रहते हैं दूध देने वाले। आइए जानते हैं भैया से आगे इनके ऑटोमेटिक पानी की व्यवस्था कैसे है, क्या क्या है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पानी की व्यवस्था की गई है ऑटोमेटिक है। भैया ये कैसे काम करता है, कैसे इसमें पानी आता है? इसका एक जगह हमने टैंक बना रखा है। अच्छा, इस साइड आप देखें। जी जी बिल्कुल, टैंक बना रखा है उस साइड। अच्छा, वो जो बर्तन के पास है वो अच्छा वो टैंक है। ठीक है, फिर ये सारा है। अच्छा, और ये लेवल किया गया, जैसे जैसे अगर कोई गाय या पशु हाँ उसमें पानी पीता है तो उस हिसाब से अपने आप फिल होने लगता है, लेवल किया गया है। अच्छा, उसका जो टंकी का लेवल है वो इसके लेवल से लेवलिंग ऐसी की गई है कि जब पशु जितना पानी पिएगा तो उस लेवल तक फिर पानी इकट्ठा हो जाएगा। यानी पशु दिन भर में, रात में, कभी भी जितना पानी पीना चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार स्वयं ताजा पानी पी सकता है। वो अपनी इच्छा अनुसार प्यास मिटा सकता है अपनी। भैया यानी नाद, ये जो खाने का जो नाद बना हुआ है इसके साथ साथ पानी की व्यवस्था की गई है ताकि पशु को दिक्कत ना हो, अपने स्थान पर रहते हुए वो पानी और इसका यूज कर ले। अच्छा, ये व्यवस्था आपका बहुत अच्छा लगा हमें कि बीच में रह के दोनों साइड से अपना पशुओं को दाना पानी दिया जा सकता है। और बीच में जो स्पेस आपने लगा रखा है इसमें ये रहेगा कि आप बीच में सामान इकट्ठा कर सकते हैं, चोकर भूसा या फिर जो भी दाना वाना यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे भिगो सकते। देखिए आप देख सकते हैं कि आपने भैया ने यहाँ पे भिगो के रखा हुआ है दाना, तो यहीं से आपका यानी लेबर जो आप साथ में काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और खिलाने पिलाने में ये चीज़ें आप आसानी से हो जाएंगी। यहाँ भी देख सकते हैं पानी का जो सिंक लगा हुआ है वो हर नाद के साथ लगा हुआ है। कोई भी पशु हो उसके खाने के साथ साथ पानी की व्यवस्था उसकी की गई है। ये ऑटोमेटिक है, बहुत कम जगह ये देखने को मिलता है कि ऑटोमेटिक व्यवस्था रहे जहाँ पे पशु अपना खाने के साथ साथ पानी भी पी सके। और ये देखिए सेपरेट कर दिया गया है ताकि पशु सुविधा अनुसार अपने स्पेस में रह सके, दूसरे को वो डिस्टर्ब ना करे। बीच में स्पेसिंग पाइप लगाया है ना भैया इसको? पाइप लगाया है। जी जी। और कितना डिफरेंस होगा, 5 फीट का या 6 फीट का? 6 फीट का। 6 फीट का है जो कि एक पशु के लिए पर्याप्त है। इतने में पशु अपने सुविधा अनुसार रह सकता है। और नीचे आपने वो क्या बोलते हैं प्लास्टर नीचे किया हुआ है? प्लास्टर तो मैट भी मंगाए थे। अच्छा, स्लिप हो जाता है इसलिए मैट अभी निकलवा दिया। हाँ, तो दोस्तों मैट स्लिप होने की वजह से एक वो पशु के लिए रिस्क है कि पैर वैर टूटने का या फिर चोट लगने का जोखिम बना रहता है, जिसकी वजह से इन्होंने मैट निकलवा दिया है। वरना मैट की भी सुविधा भैया ने रखी हुई थी। आप देख सकते हैं इनका फार्म काफी अच्छा फार्म है। एक तरफ पशु के उनके बच्चे हैं पड़िया बछिया, और दूसरी तरफ जो दूध देने वाले पशु हैं वो है। टोटल अभी व्यवस्था करीब मेरे ख्याल से 20-25 अगर पशु रहना चाहें एक तरफ तो आराम से रह सकते हैं। तो यानी 25 बड़े पशु एक तरफ रह सकते हैं और छोटे पशु भी उतने या उतने ज़्यादा संख्या में रखा जा सकता है। और आगे इनकी प्लानिंग और भी है, इधर जो भी स्पेस आप देख रहे हैं आगे बढ़ा हुआ है। तो भैया से बात हुई कि आगे चल के जब इनका कारोबार बढ़े या बिजनेस ढंग से चलेगा तो ये आगे और इसको बढ़ाते जाएंगे। साइड में बनवा रखा है बछिया, छोटे बच्चे जो है। अच्छा, उनको खाने होने के लिए उस साइड बने। अच्छा अच्छा, वो जो आप सामने देख रहे हैं ये छोटे बच्चे जो होते हैं उनके खाने के लिए है। उधर उस साइड 2 बच्चे या 3 बंधे हुए एकदम कोने पे, वो उसी का यूज करके खा रहे थे। आइए भैया, वो जो आप बता रहे थे वर्मी कम्पोस्ट का, उसके बारे में बताइए जरा। भैया दूध के साथ साथ वर्मी कम्पोस्टिंग भी कर रहे हैं तो उनको जानकारी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हर चीज़ ट्राई कर ले रहे हैं। जी देखिए, बस ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं।
यानी ये जो इसको बेड बोलते हैं, इसको बेड बोलते हैं जी, और गाय जो गोबर देती है, भैंस गोबर देता है, उसको जब 8-10 दिन हो जाते हैं पुराना, उसमें से जो गैस होती है निकल जाते हैं जी, उसके बाद हम इसको इसमें डाल देते हैं जी। और इसके लिए कुछ अलग केचुआ आता है इसके लिए? हाँ। अच्छा, यानी वर्मी कंपोस्ट के लिए अलग केचुआ आता है, और अपने डेयरी फार्म का गोबर 8-10 दिन के लिए रखने के बाद जब गैस उसकी निकल जाती है तो वो ये इसमें यूज होता है। अच्छा, इसमें कुछ विशेष ध्यान दिया जाता है पानी का या और किसी चीज का? जिस दिन जैसे गोबर मैंने अगर आज डाल दिया इसमें जी, और केचुआ ऑलरेडी है जी, तो उस दिन क्या बोलता है कि इसको थोड़ा ये इसी से पूरा चलाना पड़ता है। अच्छा, फिर पानी मारना पड़ता है। अच्छा, फुहारा हल्का, और हर दूसरे या तीसरे दिन हल्का फुल्का, गर्मी अगर ज्यादा है तब जी जी पानी मारना पड़ता है, इसको चलाना पड़ता है जी, जिससे केचुआ जो है वो गर्मी की वजह से मारे ना। हाँ, नमी का विशेष ध्यान रखा जाता है। देख सकते हैं भैया इसको चला रहे हैं, इसमें केचुआ अभी नहीं है क्या इसमें? नहीं, नीचे केचुआ, क्योंकि अच्छा, ये पूरा ये खा चुके हैं, ये खाद तैयार हो चुका है। अच्छा, ये तैयार हो गया है। हाँ। अच्छा, तो केचुआ सारे नीचे चले गए। अच्छा अच्छा, यानी वो खाने के बाद जो ये वेस्टेज बचता है वही होता, वही वर्मी कंपोस्ट है। हाँ। अच्छा, इसका यूज आप अभी मतलब इसको बेच रहे हैं या अपने अपने फार्म पे यूज कर रहे हैं इसको? हम अपने फार्म पे भी यूज कर रहे हैं, सेल भी करते हैं, जो हमारे दूध कस्टमर हैं कुछ बाहर के। अच्छा, गार्डनिंग वगैरह जो लोग करते हैं वो ले जाते हैं ये चीज? हम अपने आप पेड़ों में डालते हैं, आम का पेड़ लगा रखा है। अच्छा, जो पशु का चारा है उसमें जी जी, फिर अपने आप बासमती चावल उसमें रखा है। अच्छा, डाल रखा है। तो ये जो है वर्मी कंपोस्ट, इसका तो काफी ज्यादा मतलब सुना गया है कि फायदा करता है, तो क्या ये सही है? हाँ, इसमें ये है कि एक तरह से आपको जो यूरिया खाद होता है जी, या फिर उसका ये अलग से जो जी, कुछ नुकसान ही है एक तरह से अगर। अच्छा अच्छा, हाँ, फर्टिलाइजर जो है वो एक तरह से नुकसान ही करते हैं, तो ये आपका एक तरह से कहा जाए कि देसी जो, अच्छा देसी जो खाद होता है, जैसे गोबर इकट्ठा हो गया कहीं पे, महीना दो महीना छह महीना सड़ जाता है, तो क्या उस खाद में इस खाद में अंतर होता है? जी बिल्कुल, बहुत अंतर होता है। उस वो जितना फायदा करेगा खेत के लिए उससे कहीं ज्यादा इसका फायदा होगा। अच्छा, तो लोग खेतों में भी इसका यूज कर सकते हैं वर्मी कम्पोस्ट का? जैसे कि आप कर रहे हैं ये सब चारा वगैरह जो आपने लगा रखा है यहाँ पे, तो अपने ही खेत, अपने ही ये वर्मी कंपोस्ट का यूज किया उसमें? जी बिल्कुल, मैंने अपने आप ये बाजरे में पूरा लगा रखा है जी, बाजरा बोया हुआ है जी, इसमें पूरा इसी को डलवाया। अच्छा, ये वर्मी कंपोस्ट के ये जो कंपोस्ट है ये कितने दिन में तैयार हो जाता है, कितना टाइम लगता है इसको तैयार होने में? अगर है तो कम से कम आपको 2 महीने लगेंगे। अच्छा, पहली बार जी, उसके बाद 20-25 दिन के रोटेशन पे वो। अच्छा, तैयार होते हैं। अच्छा, चलिए धन्यवाद भैया। डाल देंगे तू अपना। अच्छा, काम करता रहता है जी, और हम अपना खाद निकलवाते रहते फिर अपना गोबर डालते। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब यही बेड आपका काम आगे करता रहेगा, अलग से बेड बनाने की जरूरत नहीं है? नहीं, इसको आप बढ़ाने वाले भी हैं? जी बिल्कुल, अभी तो बरसात है। अच्छा, 2-4 करके और बेड बढ़ाएंगे, फिर जरूरत पड़ी तो अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगा तो सेल भी करेंगे। कैसे सेल करते हैं? कैसे बिकता है ये? ये अभी तो हम इसको 25-30 रुपए केजी के हिसाब से पैकेट में देते हैं, पैकेजिंग करके। हाँ, पैकेजिंग हम खुद अपने जी डेयरी के ब्रांड से जी, तो बहुत अच्छा है। देख, आप दोस्तों देख सकते हैं कि दूध के साथ साथ अगर कोई उसके गोबर का भी यूज करना चाहे तो वर्मी कंपोस्ट के रूप में यूज कर सकता है, और इसकी डिमांड लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, लोग खरीद रहे हैं। अक्सर जिनके यहाँ अच्छा गार्डन वगैरह है, शहरों के लोग गार्डनिंग करते हैं तो वो यूज़ करते हैं। तो भैया ने अच्छा बताया वर्मी कंपोस्ट के बारे में, और ये रहा इनका डेयरी फार्म। ये और भाई साहब लोग हैं काम, ये साथ में भाई साहब जो हैं बैठे हुए हैं, काम करते हैं यहाँ पे। सामने भैया हो गए, ये हमारे मित्र हो गए। तो भैया ने अपने डेयरी फार्म पे ये गोबर से कंडे बनाने वाली मशीन भी रखी हुई है, पर इन्होंने अभी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है, ये आगे चल के इसको भी स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं आप ये मशीन कैसी होती है, इसमें इसमें गोबर डाला जाता है, गोबर डालने के बाद ये मशीन चलती है और उसको फिर डंडे, मोटे डंडे की तरह या फिर जैसे कंडा निकलता है इस शेप में, ये देख सकते हैं इस शेप में कंडा निकलते हुए बाहर आता है, और उसको उसको सुखाने के बाद वो
आप खुद डेयरी फार्म पे यूज कर सकते हैं या फिर आप बेच सकते हैं। खरीदने वाले भी बहुत लोग होते हैं, कंडे का यूज बहुत जगह होता है, पूजा पाठ से लेके पार्टी वार्टी हर चीज में। अभी हम बात करेंगे भैया से। ये देखिए आम के पौधे वौधे भी ये अपने फार्म पे लगाए हुए हैं, काफी अच्छा डेयरी फार्म है और स्पेस बहुत है इनके डेयरी फार्म पे, स्पेस की कमी नहीं है। जनरेटर की भी व्यवस्था है, देख सकते हैं बिजली चले जाने पे जनरेटर चलेगा, व्यवस्था तो काफी अच्छी है। और इनका जो डेयरी का शेड है, शेड भी काफी ऊंचा है, यानी कि पशु को गर्मी हो, गर्मी के मौसम में खासकर कोई समस्या नहीं होती है। ये देख सकते हैं आप शेड कितना ऊंचा इन्होंने बनाया हुआ है, पर्याप्त ऊंचाई है और खुला हवादार, यानी वेंटिलेशन की कोई समस्या नहीं। पर अगर बिजली नहीं भी रह रही है आपके फार्म पे तो इतना वो कूलिंग कर देगा, ये जो आपका वेंटिलेशन इतना बढ़िया है कि उनको गर्मी नहीं होगी। तो अच्छे पशु जो भी हैं, जो भी अच्छे नस्ल के हैं, HF चाहे जर्सी, उनका क्या है कि वो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस तरह का अगर आप शेड बनाते हैं जिसकी लगभग ऊंचाई करीब 20 फीट के आसपास है। तो इस भैया इसकी ये शेड की ऊंचाई कितनी है? ये लगभग 30 फीट होगी। अच्छा, बीच में जैसे ज्यादा ऊंचा है, बीच में ज्यादा ऊंचा है और साइड से कम है, गर्मी कम होती है, गर्मी इसमें कम होगी, वेंटिलेशन पूरा प्रॉपर अच्छे से होगा। भैया वो जो मशीन थी उसकी क्या कीमत है? मशीन हम पटियाला से मंगाए थे जी, 55,000 रुपए का वो मशीन पड़ा है जिससे गोबर से कंडे निकलेंगे। कंडे का यूज आप जान ही रहे हैं, लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ करते हैं। ये देखिए भैया, गायों के पशुओं को खाने के लिए जो दाना इकट्ठे मिक्स करा के अपने फार्म पे रखे हुए हैं, ये आप कहाँ से मंगाते हैं इसको? गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से एंटरप्राइजेस करके। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 kg जो मिक्स आप दाना बनाते हैं, 1 kg की कीमत कितनी पड़ जाती होगी? 30 रुपए 35 रुपए इसके आसपास पड़ जाती होगी। पर लीटर का अगर कॉस्ट देखा जाए दूध का, तो वो 30 से 35 के बीच में पड़ जाता है, और लेबर चार्ज और सब मिला दिया जाए तो कॉस्ट और बढ़ जाता होगा 40 रुपए के हिसाब से। यही गाड़ी है जिससे दूध की सप्लाई होती है, डायमंड फूड एंड एग्रो सर्विसेज डायमंड डेयरी के नाम से है। अब देख लीजिए इनकी सप्लाई कैसे होती है, यही गाड़ी जाती है गोरखपुर शहर में। ये आपका इसमें दूध इसमें डाला जाता है, ठंडा करके भैया डालते हैं। ठंडा करने वाली जो मशीन है और जिसको डीप फ्रीज़र बोलते हैं, वो इस कमरे में रखा हुआ है। यहाँ से फ्रीज करने के बाद उसको अच्छे टेम्परेचर पे फिर इसमें डाला जाता है और यहीं सप्लाई होती है, क्वांटिटी के हिसाब से डोर टू डोर जाके इसी गाड़ी से सप्लाई होती है। तो ये है आपका डायमंड डेयरी फार्म। अब वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर भविष्य में ज़रूर इस फार्म पे एक बार और आया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि भैया कितना आगे और इसको ले जा पाए हैं और इनकी दूध की सप्लाई जो होती है गोरखपुर शहर में। अगर आप कंजम्पशन करना चाहते हैं, दूध अच्छे क्वालिटी का है, अगर आप लेना चाहते हैं तो इनसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और डिस्प्ले पर दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।